मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज के इस वीडियो सेशन में। और आज हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, जो कि आपको अक्सर परेशान करती है, चाहे आप अपने सिटी में जाते हों, चाहे कहीं और जाते हों, रोड पर या कहीं आम रास्ते पर या कहीं गली में आपको कुछ साइन बोर्ड्स नज़र आते होंगे जिन पर कुछ इबारतें लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चिन्ह बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं। ठीक है, तो साइन बोर्ड की मीनिंग, ये इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये जरूर घटना घटती है कि उसे कहीं कहीं पर लिखा मिलता है लेकिन आदमी समझता नहीं है। जैसे कहीं पर लिखा हो टू लेट, अब टू लेट है तो सीधी बात है, अगर उसमें आई लगा दें तो टॉयलेट हो जाएगा। तो टॉयलेट में हम कभी कभी समझेंगे कि यार इसमें आई उस वो भूल गया है, आई भूल गया है, बल्कि ये टॉयलेट ही लिखा हुआ है। तो कमरे के ऊपर कहीं भी या मकान के ऊपर कहीं लिखा हो टॉयलेट, TOLET टॉयलेट, तो हम समझेंगे कि ये टॉयलेट करने की जगह है, ऐसी गलती हो जाती है, नहीं समझ में आता तो। और इंग्लिश एक विदेशी लैंग्वेज है, आपको पता है, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, साइन बोर्ड पर अगर कहीं भी लिखा मिलेगा आपको गिव वे का मतलब होता है रास्ता दो। बोलते गला बैठ जाता है, चूँकि दिन भर जो है पढ़ाना ही पड़ता है। गिव वे, रास्ता दो, जब कभी आप रास्ते से गुजरते हैं तो अक्सर लिखा रहता है गिव वे, रास्ता दीजिए, इसका मतलब है कि आगे से रास्ता जो है संकरा है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि पीछे वाले को या आगे वाले को आपको रास्ता देना पड़ सकता है। तो वहाँ पर ध्यान देना है कि रास्ता देने के लिए, यहाँ पर ध्यान देना कि इस जगह पर इतने से इतने किलोमीटर तक आपको रास्ता देना पड़ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान दें कि गिव वे लिखा है, इसका मतलब रास्ता देने के लिए लिखा हुआ है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री, क्रॉसिंग मतलब चौराहा होता है, यानी जहाँ पर जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती, देखिए, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी लिखा मिल सकता है कि यहाँ पैदल यात्री जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं रोड को। लोडिंग बे का मतलब गाड़ी के सामान को लादने की जगह, जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत सारी लोड अनलोड होती हैं, तो गाड़ियों को डाउन में रखा जाएगा और जगह थोड़ी ऊँची होगी ताकि उस पर जो है आदमी चढ़ करके जा सके और लॉरी में सामान लोड कर सके। तो वो लोडिंग बे जो होता है उसका मतलब गाड़ी में सामान लादने की जगह है। वैसे बे का मतलब होता खाड़ी, है ना, तो वो खाड़ी अलग है, बे ऑफ बंगाल जो है। ठीक, वे इन का मतलब होता है अंदर आने का रास्ता, जिसको आप लोग एंट्रेंस बोलते हैं, है ना। द वे थ्रू विच यू एंटर टू अ पार्टिकुलर प्लेस, तो वो जगह बोली जाएगी आपका वे इन, लिखा होगा वे इन, इसका मतलब अंदर जाने का रास्ता है, और वे आउट का मतलब एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता। तो वे इन लिखा होगा तो अंदर आने का रास्ता, वे आउट लिखा होगा तो बाहर जाने का रास्ता, ये हमें ध्यान देना है। ये ज़्यादातर आपको मॉल वगैरह में देखने को मिल सकता है, या आपको देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है जब आप कहीं, देखिए ये होता है अकेले जो है ऑपरेट करना, कैमरे को कितनी दिक्कत होती है, कितनी समस्या है, और ज़माना बड़ा ख़राब है, किसी को टाइम नहीं है, मैं अकेले ही संघर्ष कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इसीलिए किया जा रहा है कि भाई एक हेल्प की जा सके दूसरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, इसे आप लाइक भी करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग आएँगे और हम एक फैमिली हो जाएंगे। जितनी है आपको दिख रही है उससे कहीं और अधिक संख्या हो सकती है, और मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग बूस्ट कर गए जिनका चैनल, वो एक टाइम था, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम है ना, अभी हमें भी बहुत अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, आपको एक बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों का भला होगा तो खुद का भला होता है, बहुत बड़ी बात है। और मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि शिक्षा की लाइन है, इसमें कोई भी जानकारी दी जाएगी गलत नहीं दी जाएगी, जितना मेरी औकात होगी, जितना मेरी क्षमता होगी, जितना नॉलेज होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। और मैं आपको पूरा वादा कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, कि मैं अकेला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और संख्या बहुत सारी है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मैं उनको ऑफलाइन जो क्लास देता हूँ बहुत बेहतरीन है, और वहाँ जो पढ़ाता हूँ मैं उसका एक गुना भी यहाँ पर आपको अच्छा दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या होता है कि मैं वहाँ पर जब रहता हूँ तो, क्योंकि मैं बुक से पढ़ाता नहीं हूँ, अपने आप से एक्सपीरियंस देता हूँ जो अपना एक्सपीरियंस है, और बच्चे बहुत अच्छा फ्लुएंट हो रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा नॉलेज मिलता है, तो एक क्लास का जो होता ना माहौल, वो कभी कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि यूट्यूब पर भी ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि लगे कि हम क्लास में हैं, ठीक है, और उसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ मैं किसी रूल को ना पढ़ाऊँ, अगर मैं रूल के बाहर आ गया तो मैं बहुत बेहतरीन सिखा सकता हूँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो बोली जाती है वो सिचुएशनल चीज़ों बोली जाती है, उसमें रूल पर नहीं चल सकते। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप कहाँ थे, है ना, वेयर वर यू, आप कहाँ थे,
क्या इतनी देर लगती आने में है? तो हाउ डिड यू टेक सो लॉन्ग टाइम टू कम हियर, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो अलग अलग भैया अलग अलग सेंटेंस बोले जाते हैं, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते मैं केवल यही रूल पर आऊँगा है। ये देखिए इतनी अच्छी जानकारी है, तो ये तो अलग अलग है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश मुझे लग रहा है कि मुझे सिखाने का मतलब ये होता है कि हर प्रकार के सेंटेंस बोले जाएँ एक ही वीडियो में, कम से कम 100 से 150 सिचुएशन क्रिएट की जाए। क्योंकि जब हम धारा प्रवाह बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं, तो उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए हम कोई एक रूल नहीं बोलते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस का गेम है, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। तो वे इन अंदर आने का रास्ता, उसके बाद वे आउट बाहर जाने का रास्ता हो गया। माइंड योर हेड, अगर कहीं पर ऐसा जगह हो जहाँ पर आपको नीचे झुक करके जाना पड़ जाए, ठीक है, बेंड डाउन होकर जाना पड़ जाए, तो वहाँ ऊपर लिखा रहता कि ज़रा संभल करके, ठीक है। आपको दिल्ली की मेट्रो अगर आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ पर अक्सर लिखा रहता माइंड योर हेड, अपने सर को संभाल कर जो है चलिएगा, क्योंकि आपका सर टकरा सकता है, ठीक है। तो माइंड योर हेड का मतलब सर संभाल करके। फिर अगला है थरफेयर, ये थरफेयर लिखा हुआ है, थोरोफेयर नहीं लिखा है, THOROUGH या फेयरी। थरफेयर मीन्स होता आम रास्ता जहाँ से आम लोग गुजरते हैं, और जब आम रास्ता नहीं होता जिससे आम लोग नहीं गुजरते, आम पब्लिक नहीं गुजरती है, तो थरफेयर नहीं होगा बल्कि कुछ और हो सकता है। और वहाँ पर लिखा होता प्रोहिबिटेड प्लेस, प्रोहिबिटेड प्लेस नीचे देखे लिखा है, इसका मतलब निषिद्ध क्षेत्र, आप इस एरिया में नहीं जा सकते हैं। बड़े बड़े ऑफिसरों के एरिया में लिखा होता है प्रोहिबिटेड प्लेस, या कोई बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अगर यूनिट है, कहीं निकाय कोई है, उसका अपना खुद का कोई कार्यालय है, तो उसके आसपास का जो एरिया होगा, जो नो एंट्री जोन होता है, वहाँ पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब ऐसे लोग यहाँ पर डिफॉल्टर टाइप लोग एंट्री नहीं कर सकते, या कोई भी दाएं बाएं गाड़ी भगा के नहीं ले जा सकता है, या वो स्टॉलिंग नहीं कर सकता है। तो थरफेयर मीन्स आम रास्ता। इसके बाद में जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर डेड एंड लिखा होता है, यानी रास्ता ख़त्म हो गया। तो अगर डेड एंड लिखा समझ लो कि आगे रास्ता ब्लॉक है, बंद है, उसके आगे रास्ता नहीं है, रास्ता केवल उसी गली तक जा करके बंद हो जाता है। तो डेड एंड लिखा होता है, समझ जाइएगा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं, रास्ता ख़त्म हो गया। प्रोहिबिटेड एरिया, एज आई टोल्ड यू कि प्रोहिबिटेड एरिया वो एरिया होता है जहाँ निषिद्ध क्षेत्र होता है, आप जा नहीं सकते हैं, अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट उस स्थान पर नहीं कर सकते हैं, यानी ज़बरदस्ती आप घुस नहीं सकते। नो ट्रेस पासिंग, ये बहुत ज़्यादातर बिल्डिंग में देखने को मिलता है कि लिखा होता है उसकी प्रमाइस में लिखा होता है, बाउंड्री वॉल में लिखा होता है नो ट्रेस पासिंग। इसका मतलब है अतिक्रमण ना करें, अर्थात ज़बरदस्ती ना घुसें, और अमेरिका में तो देखकर गोली मार दी जाती है। सीधा लिखा होता नो ट्रेस पासिंग, अगर कोई ट्रेस पास कर रहा है ज़बरदस्ती, दीवार फांद कर अंदर आ रहा है, तो सीधी बात सो गोली मारने की पूरी कोशिश हुए, गवर्नमेंट ने वहाँ आदेश दिया हुआ है कि कोई भी अगर घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है तो गोली मार सकता है उसको, वहाँ इसके लिए परमिशन है। तो नो ट्रेस पासिंग माने अतिक्रमण ना करें, अर्थात किसी के घर के अंदर में प्रवेश करने की कोशिश ना करें, या प्राइवेट मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आप एंट्री करने की कोशिश ना करें ज़बरदस्ती। तो ये जब कहीं भी लिखा आपको मिलेगा साइन बोर्ड नो ट्रेस पासिंग, तो समझिए ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। फिर कुछ बची हुई चीज़ें हैं, देखिए यहाँ लिखा लैक्टेशन रूम। तो फ्रेंड्स, लैक्टेशन रूम जो होता है, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो लैक्टेशन रूम बना होता है जहाँ महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो जहाँ महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो लैक्टेशन रूम होता है, सेपरेट होता है। तो लिखा होगा अगर कहीं पर लैक्टेशन रूम, तो समझ लीजिए कि दूध पिलाने की, ये दूध पिलाने की जगह है, दूध पिलाने का रूम है स्पेशली। लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मीन्स शौचालय, जो टॉयलेट हम लोग और लैट्रिन यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं वो लैट्रिन टॉयलेट जो इंडिया में यूज होता बहुत ज़्यादा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मिलेगा लैबोरेटरी। कहीं कहीं पर रेस्ट रूम भी लिखा होता है, रेस्ट रूम तो वहाँ आराम करने की जगह नहीं है, नहीं सोचो जाऊँ बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी लगा होगा, मस्त लेट जाता हूँ आराम कर जाता हूँ, तो रेस्ट रूम नहीं है। रेस्ट रूम का मतलब होता है शौचालय, ठीक, उसी को लैबोरेटरी अक्सर लिखा होता है, लैबोरेटरी, ठीक है, लैबोरेटरी तो समझ लीजिए शौचालय है। आगे लिखा स्टिक नोबिल्स, STICK, स्टिक नोबिल्स, स्टिक में चिपकना होता है ना, कोई चीज़ स्टिक करना, चिपकाना, ठीक, किसी चीज़ को हम लोग जब स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं, तो स्टिक नो बिल्स, जो बिल्स होता है, जो विज्ञापन होता है, अक्सर देखा होगा लोग क्या करते हैं, आकर के पंपलेट होता है या उनका जो अपना खुद का कुछ कागज़ का होता है टुकड़ा, उसको चिपका देते हैं जिस पर विज्ञापन लिखा होता है, ठीक है, एडवर्टाइज लिखी होती हैं, तो उसको जो है मत कीजिए, चिपकाइए मत, गंदी हो जाती हैं दीवारें, अक्सर लोग बुरा मानते हैं बहुत जगह पर, स्कूल के एरिया में हो गया, कॉलेज के एरिया में आसपास हो गया, लिखा रहता है स्टिक नो बिल्स, या कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है या कोई पॉश एरिया होता है तो वहाँ पर लिखा होता है स्टिक नो बिल्स, तो इसका ध्यान दीजिएगा।
अगला है डोंट लिटर। लिटर मीन्स वो लिटर नहीं है, ठीक है, लीटर वाला जिससे दूध पीते हैं आप, दूध ना मापते हैं। डोंट लिटर LITER, लिटर मीन्स होता है कूड़ा। अगर इतना लिखा है डोंट लिटर, इसका मतलब कूड़ा मत फैलाइए। फैलाने के लिए स्प्रेड होता है, स्कैटर होता है, आप जानते हैं, ठीक है, स्प्रेड स्कैटर करना किसी चीज़ को। तो डोंट स्कैटर ट्रैश, ट्रैश मीन्स कूड़ा, या डोंट स्कैटर वेस्टेज, वेस्टेज मत फैलाइए। तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही बोल दीजिए डोंट लिटर, हो जाएगा, कूड़ा मत फैलाइए। अगला लिखा है कूड़ा मत फैलाइए, तो फिर रखिए कहाँ पर, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अक्सर जो है डस्टबिन होता है, वहाँ पर जो है लिखा मिल जाएगा ट्रैश गोज़ हियर, ट्रैश गोज़ हियर। आपकी मोबाइल में भी देखो ट्रैश होता है ना, डस्टबिन जिसे बोलते हैं। तो ट्रैश गोज़ हियर, इसका मतलब है कूड़ा यहाँ डालिए, कूड़ा यहाँ डालिए, ट्रैश गोज़ हियर। अगला देखिए डोंट मिस फायर्स, डोंट मिस फायर्स। कहते भैया मिस फायर, मिस हो गया, गोली जो है मिस हो गई, गोली दगी नहीं बंदूक की, मिस फायर हो गया। तो मिस फायर का मतलब वो नहीं होता है। डोंट मिस फायर्स का मतलब इधर उधर पेशाब ना करें, डोंट मिस फायर्स, इधर उधर पेशाब ना करें। और इसी को दो और तरीके से बोला जाता है, लेकिन वहाँ इधर उधर की मीनिंग नहीं होगी। लिखा रहता नो यूरिनेटिंग, नो यूरिनेटिंग इसका मतलब पेशाब ना करें, या लिखा हो सकता है नो पींग, नो पींग माने भी पेशाब ना करें, क्योंकि पी मीन्स पेशाब करना, PEE। आ गया वही जो मैंने शुरुआत में बात किया था, टूलेट। टूलेट का मतलब किराए के लिए खाली है। अगर किसी मकान के ऊपर लिखा है तो इसका मकान किराए के लिए खाली है, ये मतलब होगा। किसी दुकान, किसी शॉप पर है, किसी शॉपिंग मॉल में है, ठीक है, अगर कहीं पर कोई आपने देखा शॉप, उसके ऊपर लिखा हुआ है, किसी बिल्डिंग के ऊपर कहीं लिखा है टूलेट, तो इसका मतलब किराए के लिए वहाँ आपको रूम मिल जाएगा, वो खाली है। तो इससे आदमी जो है जा करके किराए के लिए अपना बात कर सकता है। तो टूलेट केवल आई लगा दे तो टॉयलेट हो जाएगा, तो इसको मत सोचेगा टॉयलेट लिखा हुआ है, नहीं सोचिए आपके आई यहाँ मिट गया है, रिमूव हो गया, बाकी ये टॉयलेट ही था, तो जलूँ मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आगे है लाइफ योर बेस्ट अंडर योर सीट। अगर आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके सीट के पास लिखा होता है लाइफ योर बेस्ट अंडर योर सीट। वेस्ट मीन्स होता है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, बनियान, यानी जो आपके जो लाइफ सेविंग बनियान होती है, जो जैकेट होता है जिसे बोलते हैं, वो लिखा रहता है कि आपके सीट के नीचे है, उसे आप बांध सकते हैं। दूसरा है फासन सीट बेल्ट वाइट वाइल सीटेड, उसी जगह पर लिखा था सीट बेल्ट बांध लें, तो वहाँ इंग्लिश में लिखा होगा एरोप्लेन में फ्लाइट के दौरान अगर आप यात्रा करते हैं तो फासन का मतलब बांधना, FASTEN, जो फीता बांधना होता है, जैसे जूते का फीता बांधना है, तो फासन योर शूज हम लोग लिखते हैं, फासन योर शूज बोलते भी हैं। तो फासन सीट बेल्ट, फासन सीट बेल्ट वाइल सीटेड, यानी बैठते समय, वाइल मीन्स दौरान, वाइल सीटेड जब बैठे हुए हों आप तो सीट बेल्ट बांध लें, यानी बैठने के दौरान सीट बेल्ट बांध लें। तो ये होते हैं साइन बोर्ड अक्सर जो तमाम जगह पर लिखी होती है, और मुझे लग रहा है बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए, नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसे आप इन्जॉय करें, लाइफ में इसे यूज करें, दूसरों को प्लीज़ शेयर करें, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दूसरे भी आपको थैंक्स बोलेंगे, कम से कम आपने अच्छी जानकारी दिया। मैंने बोला गाना बजाना का चैनल नहीं है, इसके हर वीडियो को आप शेयर कीजिए और आपके माध्यम से ये चैनल बूस्ट होगा, कम से कम 100-200 की संख्या बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको इसको एक मुकाम पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल मोनेटाइज होने के कगार पर है, बस केवल कुछ नहीं तो सिर्फ 1,000 या 1,500 घंटे और बचे हुए हैं, इसके बाद ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय।